नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट में सभी का स्वागत है। आज जो मेरा मॉक टेस्ट होगा वह मॉक टेस्ट होगा 14 चौक द, ठीक है। अब ये जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं हम, सारे झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है उसी को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो कह दो सभी दोस्तों को कि सेशन स्टार्ट हो चुकी है, सभी साथियों को एक बार जोड़ दें। और सबसे पहले जो जुड़ गए हैं वो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। जो नए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर। क्यों? क्योंकि यह जो चैनल है आपके हर एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि जो देख रहे हैं उनको तो पता होगा। तो आपसे आग्रह है जल्दी से वीडियो को एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या करना है, लाइक कर लें। तो आइए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीका से। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का योगदान होता है, बताइए कितना प्रतिशत झारखंड में कृषि से संबंधित कितना परसेंट यूज होता है। आपका ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर एक है 18%, 23%, 10% या 27%। जल्दी से बताएंगे क्या कमेंट करके आंसर कौन सा होगा, 1 से 2 सेकंड में फिर हम आपको आंसर देते हैं, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, एक बार लाइक कर दे सभी लोग और सेशन को शेयर कर दे फटाक से अपने दोस्तों में, मजा आ जाएगा आज का सेशन। चलिए, तो पूछा है कृषि कार्य करने में कितने प्रतिशत भूमि का योगदान देता है, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 23%, 23% कृषि में झारखंड का योगदान है। क्या मजा आ रहा होगा ना। चलिए, तो ये रहा प्रश्न आपका आंसर। अब अगर बात करते हैं कि झारखंड में कृषि के लिए सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है, आप कमेंट करके बताएंगे, ज्यादा बताएंगे। देखिए, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर मिट्टी बात करते हैं तो वह कौन सा मिट्टी होगा, लाल। और इसका परसेंटेज कितना है, तो याद रखेंगे 90%। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिट्टी जो अनुपजाऊ है वह हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि कौन सा मिट्टी जो अनुपजाऊ है वह हो जाएगा लेटराइट। कैसा मिट्टी है, अनुपजाऊ। मजा आ रहा होगा सेशन को, इतना धमाकेदार तरीका से हम लाए हैं, हर प्रश्न कलेक्शन करके लाए हैं। आप एक बार क्या करेंगे, सचिवालय तक जुड़ के रहेंगे, वहां तक आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल में कितना आपको बेनिफिट है, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा, 23%। सर सबसे ज्यादा परसेंट है लाल, और वह कितना, तो 90%, समझ रहे ना। और लेटराइट अनुपजाऊ मिट्टी है, लेटराइट, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लेटराइट मिट्टी है यह किस लिए ज्यादा उपयोगी है, तो चाय के लिए, ठीक है ना, कॉफी के लिए, ये इसके लिए क्या है, कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपयोगी है लेटराइट मिट्टी। अगर भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे, तो लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो भारत में अगर देखा जाएगा पूरा, तो वह केरल वाले एरिया में, ठीक है, केरल हो जाएगा, असम हो जाएगा, ये भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं है, तो सुन लेंगे मेरे जितने भाई लोग बंधु लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, क्या देखना है, देखेंगे इस बात को कि हमारा जो स्टूडेंट डिलाइट चैनल है, यहां पे फेसबुक पेज बना दिया गया, हर बच्चा कमेंट कर रहा था हमको बार बार कि सर पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, कहां मिलेगा। तो सारा हम व्यवस्था कर दिया आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको फायदा होना चाहिए, ठीक है, कुछ अलग बेनिफिट होना चाहिए आपको और चैनल के तुलना में। तो फेसबुक पेज बन गया है, फॉलो जरूर करें, कौन सा चैनल, स्टूडेंट इलाइट पे ही। अगला अगर बात करते हैं कि टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों का बन गया है आप लोगों के कहने पर, और वो भी स्टूडेंट इलाइट पे, यही चैनल है जहां पे आपको टेलीग्राम चैनल में हर पीडीएफ मिलेगा, जितना हम आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं, तो आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जाकर के। जितना भी किसी तरह का होगा डाउट कमेंट करके पूछ लेंगे, सर इस मॉक टेस्ट का इतना नंबर बता दीजिए, आपको हम अवेलेबल वीडियो कर देंगे। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये रहा पहला प्रश्न, सेकेंड प्रश्न आइए, पूछा गया है कि कनाडा बांध, जो कनाडा बांध है वह किस जिला में है, कनाडा बांध पूछा गया है कि वह किस जिला में है, जल्दी से बताएंगे, दुमका, धनबाद, कोडरमा या लातेहार,
कनाडा झील पूछा गया है बांध। कहां पे जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट कर, जल्दी से 2 से 3 सेकंड में जल्दी से बताएं कमेंट करके कहां पे है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दुमका। ऑप्शन में क्या हो जाए, एक। अब देखिएगा जो कनाडा बांध है, ठीक है, इसका अन्य नाम भी है मासान जोर डैम, ठीक है ना, मशान जेर या मशान जोर बांध ये भी कहते हैं, याद रखेंगे इसका अन्य नाम है। और जो कनाडा बांध है यह किसके सहयोग से बनाया गया है, तो कनाडा के सहयोग से ही बनाया गया है, याद रखेंगे कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। अब बात है कनाडा का, तो याद रखेंगे कनाडा से संबंधित अगर बात करते हैं कि कनाडा का राजधानी कहां पे, कैपिटल कहां पे है, तो ओटावा, ओटावा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स जीके भी आपका क्या होगा, धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा बांध किस जिले में है, दुमका में है, इससे अन्य नाम क्या है, मसान जोर डैम कहते हैं। और यह बांध जो है वह किस नदी पर है, तो याद रखेंगे मयूराक्षी, किस नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है। प्रश्न क्लियर हो गया, प्रश्न आपको क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रश्न यहां पे क्लियर हो गया। क्या हो गया कि सर कनाडा जो बांध है वह किस जिले में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका दुमका, ठीक है। जो कह सकते हैं दुमका झारखंड का क्या है, उपराजधानी भी है, क्या है, उपराजधानी भी है, यह भी प्रश्न क्लियर हो गया, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि जो लातेहार है, लातेहार याद रखेंगे झारखंड के गठन होने के बाद जो पहला जिला बनता है वह लातेहार, और इनका जो गठन किया गया है वह याद रखेंगे 4 अप्रैल 2001 में, 4 अप्रैल 2001 में, ये प्रश्न क्लियर हो गया। ऐसा पढ़ा जाता है जो धनबाद है, याद रखेंगे झारखंड का सबसे घनत्व वाला जिला है, घनत्व वाला जिला है, तो यह कितना है याद रखेंगे, तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है, यही धनबाद में आपका क्या है, कह सकते हैं जो उर्वरक होता है ना वो है, जिसको कहते हैं हम लोग सिंदरी, धनबाद में ही है, यहां पे क्लियर हो गया। तो ये प्रश्न का पूरा क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि झारखंड में स्थापित पहली बार, झारखंड में स्थापित पहली बटालियन का प्रशासक, प्रशासक पूछा गया, पहली बटालियन का प्रशासक का किसने नियुक्त किया गया था, चैंपियन, वेलिंगटन या मेयो, कौन आंसर होगा जल्दी से बताएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं था, ये आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, याद देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए कभी कभी आंसर देता है वेलिंगटन भी, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, झारखंड में चुआई विद्रोह, अरे चुआई नहीं है, चुआर विद्रोह है, आप लोग पता होगा चुआर, ठीक है ना, झारखंड में जो चुआर विद्रोह हुआ था कहां हुआ था, वीरभूम, रांची, बोकारो या रामगढ़, बता, ये सब मिस प्रिंटिंग हुआ है, आप लोग टेंशन ना लगे, हम बता दे रहे हैं, जल्दी से बताएंगे चुआर विद्रोह के बारे में। कहां पे होंगे आंसर होगा जल्दी से बताएंगे, क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, शेयर को जल्दी से, सेशन को लाइक करेंगे, और क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम 2 लोगों को, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। आइए, जो झारखंड में चुआर विद्रोह हुआ था उसका स्थान पूछेगा तो वीरभूम। अब देखिए बात है चुआर आंदोलन का, अब यहां से प्रश्न को समझेंगे, क्या प्रश्न समझना है सो बता रहे हम, ठीक है ना। अब यहां बात कर रहे हैं ये चुआर आंदोलन का, तो सबसे पहले ये जो होता है वह 1769 से 1805, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनका जो नेतृत्व करता है वह कौन है, रघुनाथ महतो, कौन है, तो रघुनाथ महतो। अब यहां पे याद रखेंगे रघुनाथ महतो ने एक नारा दिया था, उस नारा को कमेंट करके बताएंगे आप, वह नारा क्या दिया था जल्दी से,
चुहार आंदोलन का अगर बात करते प्लेस तो कौन है, आपको पता दिए थे वीरभूम, जो आपको आंसर भी दिया हुआ है वीरभूम, ये प्रश्न क्लियर हो गया। 1769 से 1805 रघुनाथ महतो नेतृत्व किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन अंग्रेजी था जिसने दमन किया। अगर बात करते हैं कि दमन करता, तो दमन करता पूछता, सारा डिटेल आपको मिलेगा। फैक्ट हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इस चैनल में सारा आपको एक प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा, सारा सारा फैक्ट आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न था तो दमन करता लिख लेंगे। तो एक तो थे नन और एक थे फर्बियम। एक कौन था? फर्बियम। आपको पता होगा कि अंग्रेजों का नाम ही कुछ ऐसा ही रहता है, तो क्या किया जाए आपको पढ़ना है। तो सब प्रश्न क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। मेरा प्रश्न क्या है कि रघुनाथ महतो ने जो नारा दिया था, उस नारा को क्या दिया था, जल्दी से बताएंगे। ये कमेंट करके आप जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएं क्या कमेंट किया था। चलिए हम बताते हैं, इसने जो दिया था नारा वह क्या दिया था। तो इसने जो नारा दिया वह नारा क्या दिया था, तो अपना देश अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, देश भगाओ देश, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, देश भगाओ राज करो, देश भगाओ राज करो। ये दिया था नारा किसने? रघुनाथ महतो ने ये दिया था नारा। ये होता पढ़ाई का सही तरीका कि प्रश्न क्या था पूरा डिटेल नॉलेज। चुहार विद्रोह पूछा था ना, हम बता के निकल सकते थे कहां से कि वानभूम जो आंसर दिया वीरभूम, लेकिन नहीं, हम आपके साथ हैं, सारा फैक्ट आपको दिए, जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाए। एक बार कमेंट करके बताएंगे सेशन मेरा वीडियो कैसे लग रहा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, उल्का सिंह किस नृत्य से संबंध है, जल्दी से बताएंगे। उल्का जो सिंह है वो किस नृत्य से संबंध है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। तो उल्का सिंह किस नृत्य से है, तो हमेशा याद रखना है ये कथक से है। किससे है? कथक से। अब याद रखेंगे जो छऊ है, ठीक है ना, जो छऊ नृत्य है, पूछता है छऊ नृत्य का जन्म स्थान, ठीक है ना, क्या पूछता है, तो छऊ नृत्य का जन्म स्थान कहाँ पे है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे सरायकेला, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छऊ नृत्य का जन्म स्थान कहां पे, सरायकेला। अब देखिए जो संथाल होते हैं इसमें क्या होता है, संथाल हो, जल्दी से बताएंगे, संथाल हो में जो नृत्य होता है उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे नृत्य होता है याद रखेंगे, तो संथाल में कहते हैं डाहर, ठीक है ना, और हो में क्या होगा, तो याद रखेंगे कैरो भी होता है, ठीक है ना, और हैरो भी होता है। ये सारे प्रश्न हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट है बहुत यहाँ पे याद रखना है, कई सारे प्रश्न पूछा हुआ याद रखेंगे, ठीक है ना, कई सारे इंपॉर्टेंट है। अब एक देख लेंगे और कि जादू मुंडा में, तो मुंडा में जो होता है वह जादुई और क्या होता है तो पाइका, ये सब किसमें होता है, मुंडा में। पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ये प्रश्न यहाँ पे ध्यान देना है, ये चारों जो बताए हैं आपको, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो छऊ नृत्य है उसका बताना जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहाँ पड़ेगा, सरायकेला में, किसका, छऊ नृत्य का। अब ये प्रश्न यहाँ पे क्या था, उल्का सिंह किस नृत्य से है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कथक, आंसर क्या हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट आइए, सोन नदी पूछा गया है, तो सोन नदी आपको ध्यान देना है कि सोन नदी बहुत आसान प्रश्न है, बन जाना चाहिए, झारखंड में कहां प्रवेश करता है, जल्दी से बताएंगे, हजारीबाग, दुमका, गढ़वा, ठीक है ना, या रांची।
जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा। आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गढ़वा। अब अगर बात करते हैं हम लोग सोन नदी के बारे में, तो सोन नदी के बारे में सारा हम लोग फैक्ट अब देखेंगे, किस नदी के बारे में, तो सोन नदी। अब अगर बात करते हैं कि सोन नदी का उद्गम कहां पे है, ठीक है, सोन नदी का उद्गम लेते हैं तो अमरकंटक, ठीक है ना, अमरकंटक नदी, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि सोन नदी कहां से बहती है, ठीक है ना, तो सबसे पहले एमपी होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, ठीक है ना, तो याद रखेंगे यह जो होता है बिहार में आकर के सोन नदी, और कहां मिल जाती है, गंगा में, ठीक है, गंगा में आके मिल जाती है। झारखंड में जो प्रवेश करती है ये किस जिला से, तो गढ़वा। झारखंड में प्रवेश करेगा किस जिला से, तो गढ़वा जिला से प्रवेश करता है। प्रश्न क्लियर हो गया। सोन नदी में एक बांध है, वह बांध को कहते हैं बाण सागर बांध। कौन सा बांध है, तो याद रखेंगे बाण सागर बांध। और बाण सागर बांध जो है यह किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और बाण सागर बांध किस नदी पर है, सोन नदी में है। इसका अन्य नाम अगर बात करते हैं कि सोन नदी का अन्य नाम क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर व्यक्ति को नहीं पता होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा सोन नदी का अन्य नाम को किससे कहते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होता है, हिरण्यवाह। हिरण्यवाह, ये रहा पूरा का पूरा, बताइए सोन नदी के बारे में, क्या मजा आ रहा होगा सेशन में, ठीक है, सारा का सारा फैक्ट आपको बता दिए। सोन नदी के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है ना, कि कहां पे झारखंड में कहां प्रवेश करेगा, तो वह हो जाएगा गढ़वा। और बिहार में कहां मिल जाएगा, गंगा नदी में। बाण सागर बांध भी है जो कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश। और इनका अन्य नाम क्या है, तो हिरण्यवाह। प्रश्न क्लियर हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है, बताएंगे किस जिले में, जल्दी से बताएंगे। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पूछा गया किस जिले में है, तो आपका हो जाएगा आंसर गुमला। कौन सा हो जाएगा, गुमला। अब फिर याद रखेंगे कि सेकंड हो जाएगा सिमडेगा, सिमडेगा। अगर आपको प्रश्न में नहीं मिल रहा गुमला और ये प्रश्न अगर पूछ दिया, आपका आंसर होगा सिमडेगा। क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि कीनन स्टेडियम कहां पे है झारखंड में, कीनन स्टेडियम, तो वह जमशेदपुर में है। कीनन स्टेडियम कहां पे है, तो याद रखेंगे जमशेदपुर। और जमशेदपुर को क्या कहते हैं, इस्पात नगरी, ठीक है, जमशेदपुर को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इस्पात नगरी। ये सारे आपको फैक्ट दे रहे हैं, इस्पात नगरी कहते हैं, ठीक है ना, जमशेदपुर में। अब बात करते हैं इस्पात नगरी जो है, अच्छा जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे स्वर्णरेखा। किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस्पात वहां पे स्टार्ट कब होता है, ये भी याद रखेंगे 1914 में। 1911 में क्या होता है, कच्चे लोहे का निर्माण होता है। ये पूरा का पूरा रहा, क्लियर। नेक्स्ट आइए, इसको गुफा पूछा गया कहां है, इसको गुफा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम सुबह के क्लास में इसको पूरा डिटेल बताए, आप लोग सुबह वाला देख लेंगे मॉक टेस्ट, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको गुफा जो है वो हजारीबाग में है। कहां पे है, हजारीबाग में। इसको गुफा याद रखेंगे, ये हजारीबाग में ही है, हम सुबह पूरा का पूरा बताएं डिटेल में। नेक्स्ट आइए कि महामाया मंदिर, महामाया मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया, महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जल्दी से बताएं कमेंट करके, कौन किया है महामाया, जल्दी से बताएंगे कौन किया है महामाया मंदिर का निर्माण। चलिए हम बताते हैं, तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, कोई नहीं, सब आंसर तो मार रहे होंगे, कोई बी, कोई सी, कोई ए, कोई बी, कोई डी, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे क्या होगा, तो याद रखेंगे राजा रत्न। क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि महामाया मंदिर के बारे में और फैक्ट क्या क्या है, सबसे पहले इसका जो निर्माण करवाया गया वह 9वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 9वीं शताब्दी में। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कहां पे है, तो याद रखेंगे यह रांची जिला के एक जगह पड़ता है तमाड़, तो यहां पे है, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पे किस चीज का मंदिर है तो याद रखेंगे यहाँ पे जो मंदिर है जो भगवान है वो शिव की है। क्या यहाँ भी क्लियर हो गया प्रश्न? मजा आ रहा होगा सेशन। किस नदी पर है याद रखेंगे तो नदी का नाम है कांची नदी। किस नदी के तट पर है तो यहाँ पे लिख लेंगे कांची नदी के तट पर है। कांची नदी के तट पर इतना सारा फैक्ट आपको हम लिख दिए। अब बताएं इससे बाहर क्या आपको कुछ ऐसा मिलेगा? क्या ऐसा कंटेंट कौन देगा? ऐसा बताएंगे कि महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये रहा पूरा पूरा इनमें से कोई नहीं, राजा रतन, ठीक है ना। और 9वीं शताब्दी में रांची तमार जिला में शिव भगवान का है, कांची नदी के तट पर है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे। वधु मूल्य को डाल कटारी, वधु मूल्य को डाल कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? बिंजिया, संथाल, हो या मुंडा? जल्दी से बताएं कमेंट करके। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका आंसर हो जाएगा बिंजिया। अब ये बिंजिया से संबंधित इसने अपने आप को क्या कहते हैं? तो बिंद बिंद निवास, अपने आप को क्या कहते हैं? तो बिंद निवास। ये भी क्लियर हो गया। इनका कार्य अगर बात करते हैं तो खेती करना, इनका कार्य क्या है? तो खेती। ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं कि भिंजिया जो है, ठीक है, यहां से प्रश्न आता है कि भिंजिया के बारे में तू भी जान लेंगे। इसने अपने नाम के अंत में क्या किया? तो नाम के अंत में सिंह लगाया। इसने अपने नाम के अंत में क्या कर दिया? तो सिंह भी लगा दिया। ये भी क्लियर हो गया। इसमें समगोत्र विवाह जो होता है वह निषेध है। समगोत्र विवाह क्या होगा? निषेध है, ठीक है ना। ये इतने सारे आप क्या समझ गए? भिंजिया के बारे में, ठीक है ना, भिंजिया के बारे में। और कोई दिक्कत यहाँ पे पूछेंगे? चलिए ये तो क्लियर हो गया, यहां तक प्रश्न यही था समझना, ठीक है ना। और यह अपने आप को क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, याद रखेंगे, ठीक है ना। मुंडा क्या हो जाएगा? यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा, तीसरी जनजाति हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा कौन सा? तो सेकंड हो जाएगा उरांव। दूसरा कौन हो जाएगा? उरांव। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। और अगर चौथा बात करते हैं तो चौथा यानी फोर्थ क्या हो जाएगा? तो वह होता हो। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ है भी तो हो क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ जनजाति झारखंड का, ठीक है ना। प्रश्न क्लियर हो गया। आगे आते हैं, रांची निवास कहां, संथाल निवास कहां करता है? तो ये जनजाति रांची में निवास करता है संथाल। संथाल अपने युवा गृह को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे घोटुल। क्या कहते हैं? घोटुल। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट कर लेंगे और बताना है कि कैसा सेशन लग रहा है, ठीक है ना, और शेयर कर देंगे फटाफट। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंध है? उरांव, हो, मुंडा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऐसा आंदोलन है जो ताना भगत से संबंध है? पूछा गया जनजाति, ताना भगत के जनजाति के बारे में बताना है सारा। तो क्या हो जाएगा यहां पे जल्दी से बताएंगे आपका आंसर? उरांव। उरांव जो है वह ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। उरांव ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट प्रश्न आइए, तमाड़ विद्रोह। अब प्रश्न पूछा अगला कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ? जल्दी से बताएंगे तमाड़ विद्रोह, कमेंट करके कितना बार बताएं तमाड़ विद्रोह के बारे में। जल्दी से बताएंगे।
चलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821, ये तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह को बताया था अभी भी कि यह कहां पे पड़ता है, तो रांची के आसपास पड़ता है तमाड़। ये प्रश्न हो गया, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन किया था, याद रखेंगे भोलानाथ, भोलानाथ, ये भी क्लियर हो गया। तमाड़ विद्रोह से संबंधित यहाँ ये इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपको पूछता भी ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ जी सभी का ठीक है, सभी लोग शेयर कर दिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और ये भी याद रखेंगे मुंडा, ठीक है ना, मुंडा जनजाति के द्वारा, ठीक है नेक्स्ट आइए। गुड, बोलता भूमिज विद्रोह पूछता है कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमिज विद्रोह पूछा गया कब होगा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। भूमिज विद्रोह कई बार बता रहे, हर मॉक टेस्ट में प्रश्न आता है, हर मॉक टेस्ट में आ रहा भूमिज विद्रोह के बारे में, हर मॉक टेस्ट में आता है। हर मॉक टेस्ट में आता है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। आप लोग बताने, जोश ठंडा लग रहा है, जोश आप लोग बना के रखिए, हमारे क्लास में जोश पूरा होना चाहिए ताबड़तोड़, ठीक है ना, तभी मजा आएगा सेशन को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक भूमिज विद्रोह याद रखेंगे, यह जो होता है सबसे पहले इसका नेतृत्व करता कौन करता है, तो गंगा नारायण, गंगा नारायण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार जो भी विद्रोह रहे आप उसको समझेंगे पहले कि यह विद्रोह कब हुआ, नेतृत्व करता कौन था और उनका प्लेस कहां था, स्थान कहां था, इतना आपको हर विद्रोह के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। अच्छा एक लड़का बोल रहा है कि सर प्लेस बता दीजिए जगह, तो सुन लीजिए, ये जो होता है यह बड़ा भूम, ठीक है ना। चलिए बता दिए, सुन लो बता दिए, चलो अब तो आगे बढ़ते हैं। किस नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजल है, बहुत आसान प्रश्न है, बताइए आप लोग क्या आंसर होगा, तो फाल्गु। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक दामोदर नदी का याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा और क्या लंबा नदी। अच्छा ये भी क्लियर हो गया, दामोदर नदी कह सकते हैं झारखंड का क्या होता है, या झारखंड का भी शोक नदी कहते हैं, दामोदर नदी या बिहार सॉरी पश्चिम बंगाल का भी शोक कहते हैं, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। दामोदर नदी जो है यह सबसे क्या है, प्रदूषित नदी है, यह भी क्लियर हो गया, कैसा नदी है, प्रदूषित नदी है, ठीक है ना, प्रश्न बनते जा रहा है, कोई डाउट नहीं है। स्वर्णरेखा नदी यह जो है याद रखेंगे, यहां पे एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, जो रांची में बताएंगे, जलप्रपात है, कमेंट करके बताएंगे कौन सा जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है ना, स्वर्णरेखा नदी पर है, जल्दी से बताएंगे। और यहाँ पे जमशेदपुर जो बसा हुआ है स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक है ना, तो जलप्रपात के लिए बताया नहीं आप लोग, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है ना, जो हुंडरू जलप्रपात है वह इसी नदी पर है, याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है, यह कहाँ पे है, तो रांची में है, प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया, सारा फैक्ट आपको मिल गया। तो एक बार वीडियो को क्या करेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी भेज दीजिए, ठीक है ना, ताकि वहां भी हमारा वीडियो पहुंच जाए, ये आपसे गुजारिश है। नेक्स्ट प्रश्न कि झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन था, चलिए बताइए, ये तो आसान प्रश्न है कि लातेहार होगा, चतरा होगा, कोडरमा होगा या रांची, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा जल्दी से बताएंगे, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, लातेहार। लातेहार का जो गठन किया गया है याद रखेंगे, वह 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, ठीक है, कब किया गया है, 2001 में, तो 2001 में याद रखेंगे चार जिला का गठन किया गया था। और 2007 है वह साथ में दो जिला का, कौन कौन, तो याद रखेंगे एक तो था खूंटी, एक था खूंटी और दूसरा कौन था, तो रामगढ़, रामगढ़,
यही था दो जिला जो क्या किया गया यहाँ पे इनको ऐड किया गया। वर्तमान में झारखंड में जिला की संख्या अगर बात करते हैं तो कितना है 24, कितना है टोटल 24। जब झारखंड का गठन हुआ उस समय जिला की संख्या कितना 18, वर्तमान में कितना 24, कितना ऐड हो गया तो टोटल 6 जिला बाद में बना, 4 जिला 2001 में, 2007 में 2 जिला, एक खूंटी और एक रामगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आइए, बा पर्व एवं फूलों का पर्व जनजाति के किस पर्व का अन्य नाम है, सरहुल, वंदना, करम या जावा। तो याद रखेंगे बा पर्व या फूलों का पर्व कहा जाता है, ये सरहुल पर्व को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक प्रश्न। नेक्स्ट आइए, बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है, दामोदर नदी को क्या कहते हैं, तो झारखंड का शोक, और किसका तो पश्चिम बंगाल का, और किसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का, सबसे प्रदूषित नदी कौन है तो दामोदर ही नदी है सबसे प्रदूषित नदी, क्लियर हो गया। मयूराक्षी नदी पर याद क्या अभी बताए थे कोई बांध है बताएंगे, स्वर्णरेखा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, बर्मा अय्यर बांध, ये भी दामोदर नदी में ही है, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथालों का नेतृत्व, संथालों का जो नेतृत्व किया था गोमिया थाना बोरोगे के किस व्यक्ति ने, बांगम माने, थेवले उराव, भूषण सिंह, झारखंड में ऐसा ही नाम आपको मिलेगा, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बंगम माने, ऑप्शन नंबर एक। सारा प्रश्न कलेक्शन करके लाए हैं, आप जरूर रहेंगे कंटिन्यू बन करके, और वीडियो को अंत तक देखना है, और जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट भी करना है। तो क्लियर हो गया यहां पे, नेक्स्ट प्रश्न आएंगे कि बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ, 22 जुलाई 1997, 23 अप्रैल 1997, 22 जून 1998 या 21 सितंबर 1999, क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे कि बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड का जब निर्माण किया गया वह डेट कौन सा था, तो 22 जुलाई 1997, 22 जुलाई 1997। अब बात रहा कि झारखंड का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे डेट 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है तो 14, राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है तो ये है 6, और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है तो याद रखेंगे 81+1, ठीक है ना। ये रहा पूरा का पूरा आपका लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की संख्या, और झारखंड का हाई कोर्ट रांची में। आइए नेक्स्ट प्रश्न कि दालमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार या कोडरमा, दालमा गज अभ्यारण्य। तो दालमा गज अभ्यारण क्या हो जाएगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक, पूर्वी सिंहभूम में ही दालमा गज अभ्यारण झारखंड के इसी जिले में स्थित है। तो सुन लीजिए, अब हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी आपको हम बोले थे पहले क्या कि फेसबुक पेज फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम चैनल क्या करना है, टेलीग्राम चैनल आपको लोड कर लेना है, और उसी में सारा का सारा आपको पीडीएफ वगैरह जितना भी मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है सारा का सारा मॉक टेस्ट उसी टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम स्टूडेंट इलाइट है, आपको बताए थे, एक बार फिर देख लेंगे आप लोग। देखिए यहां पे लिखा हुआ है फेसबुक पेज फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है, चैनल स्टूडेंट इलाइट पे ही सारा आपको अवेलेबल है, मॉक टेस्ट जो भी करवाया जा रहा है, जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट का मिल रहा है टॉपिक सारा आपका उसी में पीडीएफ डाल दिया गया है, और जो भी हम बनाएंगे उसको भी डाल देंगे, आप लोग सभी लोग क्या करेंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ओके।